गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा की शादी दिल्ली के द्वारका में संतोष मैरिज गार्डन में होनी है। शादी को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गैंगस्टर की इस शादी में गिने चुने लोगों को बुलाया गया है। इस शादी में आने वाले गेस्ट की संख्या तकरीबन 150 से 200 के आसपास होने की उम्मीद है। इस शादी में सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। शादी में शामिल होने वाले लोगों को मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ेगा। शादी में शामिल होने वाले गेस्ट को बाकायदा एक बार कोड दिया गया है। उसी बार कोड के जरिए गेस्ट की एंट्री मैरिज गार्डन में होगी। मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं और इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। कंट्रोल रूम में सीसीटीवी के जरिए सभी पर नजर रहेगी। साथ ही मैरिज गार्डन के आसपास की सड़कों पर भी सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि इस शादी को लेकर 4 राज्यों की पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों की भी नजर रहेगी। दिल्ली पुलिस की अलग अलग यूनिट इस शादी पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, स्पेशल स्टाफ के साथ साथ लोकल पुलिस भी शादी के लिए तैनात कर दी गई है। दरअसल ये सारा इंतजाम गैंगवार की आशंका को देखते हुए किया गया है। इसके अलावा मटियाला मार्केट एसोसिएशन ने मैरिज गार्डन के आसपास की दुकानों और गोदाम को बंद करवा दिया है। गैंगस्टर दूल्हा और लेडी डॉन दुल्हन के बैठने के लिए मंच तैयार किया गया है। गेस्ट के बैठने के लिए सोफे और खाने के लिए अलग से पंडाल तैयार किया गया है। दरअसल इस शादी पर गैंगवार की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि बीते रविवार यानी कि कल ही काला जठेड़ी के 5 शूटर को आधुनिक हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। इन 5 शूटर्स की गिरफ्तारी मैरिज गार्डन के नज़दीक से ही की गई है। इस शादी के बाद 13 मार्च को हरियाणा के जठेड़ी गांव में गृह प्रवेश की रस्म होनी है। इसके लिए 3 राज्यों की पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। गृह प्रवेश की रस्म के लिए तीनों राज्यों की पुलिस ने अपनी बेस्ट टीम को मैदान में उतारने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और द्वारका पुलिस स्टेशन के स्पेशलिस्ट पुलिस वालों की एक खास टीम बनाई गई है। इस टीम में शामिल वो लोग हैं जो लेटेस्ट ऑटोमेटिक वेपन से लैस किसी भी हमले से निपटने में माहिर हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।